बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने को लेकर सरकार ने ठान लिया है। इस बार के बिहार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को मिली है। इससे साफ हो जाता है कि नीतीश सरकार बिहार के युवाओं के एजुकेशन को लेकर कितनी संजीदा है। बिहार की सत्ता संभालते ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर कई तरीके की योजना चलाई गई, जो आज भी निरंतर जारी है। बच्चों को भोजन, पोशाक, साइकिल आदि देकर मुख्यमंत्री ने स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाया है। लड़कियों में पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा करने को लेकर सरकार की ओर से कई प्रकार के प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही है। अब तो इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और बीए पास करने पर 50,000 की राशि तक सरकार देने की घोषणा कर चुकी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इन सारी योजनाओं के कारण आज बिहार में स्कूल की तस्वीर कुछ बदली जरूर है। इस तस्वीर को और बेहतर करने को लेकर सरकार प्रत्येक दिन नए नए प्रयोग भी कर रही है। इन सबके अलावा अब राज्य सरकार अगले वर्ष से जिला टॉपरों को लैपटॉप देने जा रही है, जिसकी घोषणा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में टॉपर होंगे, उन्हें विभाग की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। विज्ञान दिवस के दिन जिला टॉपरों को लैपटॉप देगी। दरअसल विज्ञान दिवस से पहले एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्र भाग लेंगे। उनमें से जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्र को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। ये बातें विज्ञान दिवस के अवसर पर बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कही है। इतना ही नहीं, घोषणा के साथ ही टॉपरों को लैपटॉप भी दिया गया। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता एवं बाल विज्ञान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता एवं बाल विज्ञान कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को मंत्री सुमित सिंह ने लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया। कुल 10 छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए गए। इसमें विज्ञान प्रतियोगिता के 6, गणित प्रतियोगिता के 3, बाल विज्ञान कांग्रेस के 1 विद्यार्थी शामिल थे। इस मौके पर मौजूद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि विज्ञान के युग में तकनीक की मांग है, जिसको देखते हुए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। बता दें कि विज्ञान दिवस के पूर्व प्रदेश भर में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एकत्रित दृष्टिकोण था। सभी जिलों में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों ने इस विषय पर अपना अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसमें से जिला टॉपरों की प्रतियोगिता राज्य स्तर पर तारामंडल सभागार में कराई गई। विज्ञान प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक टीम में 2 छात्र शामिल थे। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों को प्रतियोगिता की भावना उजागर करने के लिए सरकार की ओर से उठाई गई ये कदम सराहनीय है। इस तरह की योजनाओं से निश्चित ही छात्रों की हौसला अफजाई होती है। आप देख रहे थे लाइव सिटीज से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।